अरे भाई वो टॉपिक करना है। हाँ क्या करूँ सर, नहीं 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 भाई सब्जी बन रहा। आयुष चला देना, फैन चला दो। अरे लिखो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कर रहा हूँ। आई वन डी फायरवॉल डी इंटर हो रहा होगा। सही लिखा हो ना, कहाँ पे चला रहे हो? हाँ बंद कर दिया, नीचे कर्सर आए जा रहा है, इसके बाद जिस तरह लिखते हैं ना उस तरह लिख पा रहे हैं। वी आई बोल रही है क्या कर दिया, देख रहा हूँ इसका स्टेटस। रनिंग नहीं दिखा रहा सर, स्टार्ट कर दो। हाँ स्टार्ट किया था तो सर इनेबल पहले कर दूँ क्या? तो स्टार्ट किया था तो सर ये रुक क्यों दिया था? टाइम लगा सर, फिर रुक दिया यहाँ पे। हाँ लग रहा टाइम लेगा, कंट्रोल सी से। अच्छा लिखवाइए तो Thank you.
जोन के जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं क्या? जोन नहीं, जोन ही रहता है। पैरामीटर पास किया गया है, जो इसमें पैरामीटर पास किए गए हैं पैरामीटर रहेगा ही रहेगा। जोन इक्वल टू आईपीएम जोन इक्वल टू आगे क्या है सर? इंटरनल। इंटरनल मतलब कह रहा है ये कि इसमें एक डिफॉल्ट जोन बनाया डीएमजेड करके, ठीक है? तो पहले कमांड हम ऊपर वाला चलाएंगे नीचे वाला? पहले ये चलाओगे नीचे वाला, ऊपर वाला। अच्छा, ये तुम ऐड कर रहे हो परमानेंट में, एक जोन बनाएगा इंटरनल करके, उसमें इस सोर्स को क्या करेगा, वो अलाउ करेगा, ठीक है जी। इसी तरह जैसे कोई सर्विस है सेफ डिफॉल्ट जोन, वाला क्या है? एफ आई आर फायरवॉल आइकन सेट डॉट डिफॉल्ट है ना? हाँ, सर जोन इक्वल टू क्या है आगे इन ऊपर ऊपर वाले में? इंटरनल नहीं नहीं ऊपर वाला सबसे ऊपर जोन डीएमजेड डीएमजेड एरर दिखा रहा है सर, यू जस्ट सी फायरवॉल कमांड मैन पेज, फायरवॉल कमांड एरर अनरिकॉग्नाइज्ड अग्रीमेंट सेट डिफॉल्ट जोन ऑफ डीएमजे। आईपी के अलावा जैसे कि हम चाह रहे हैं उसको हमारा MySQL वो हमारा डेटाबेस कनेक्ट करना चाह रहा है, जी ठीक है जी। हम डेटाबेस के लिए वहां पे आईपी ना लेकर के MySQL दे सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मतलब वो सर्विस दे सकते हैं, सर्विस नहीं जिस काम के लिए वो करवा रहे हैं, मतलब कि हम उसका डायरेक्ट सोर्स ना दे करके अगर हमें चाह रहे हैं कि हम इंटरनल जोन में हम ऐड सर्विस को मतलब MySQL सर्विस को हम अलाउ करना चाह रहे हैं सबके लिए, ठीक है सबके लिए हम अलाउ करना चाह रहे हैं, ऐसे सर तो पूरा दे देगा ना जो सब ने डाल लिया तो पूरा सिस्टम दे देगा, ऐसे पार्टिकुलर एक खाली में ये सिस्टम मिल जाएगा। जून ऑल के बाद सर लिस्ट हाइफन ऑल सीएमडी हाइफन ऑल लिस्ट हाइफन ऑल लिस्ट हाइफन ऑल
hyphen apple list hyphen all hyphen John equal to internal hyphen all स्पेस के साथ जो है ठीक है उसके बाद स्पेस के साथ हाइफन हाइफन लिस्ट है सर हाइफन ऑल स्पेस जॉन ओहो पहले बड़ा सिंपल था हाँ आ गया सर बता दिया कौन है ए ऑन दिखा दिया ए ऑन दिखा दिया इसी तरह जो आप किसी को हटाना हो ठीक है एक्सेस वही सेम चीज हो जहाँ पे ऐड होगा वहीं पे रिमूव हो जाएगा सर इसने बताया सर्विस हमारे पास है DHCP V6 क्लाइंट ये भी मतलब DHCP क्लाइंट भी ऑन है MDS भी ऑन है संभा क्लाइंट भी ऑन है SSH भी ऑन है सबके लिए सबके लिए अब यहाँ से तुम SSH हटा दोगे तो बाहर से तुम पुट नहीं कर पाओगे जी सर तो यहाँ से SSH हटाने के लिए भी होता है कुछ हाँ तो वही लिखा ना बताया ना इसमें क्या करोगे सब कुछ वही रहेगा हाइफन हाइफन ऐड सर्विस के जगह पे हाइफन हाइफन रिमूव हाइफन सर्विस लिख ले रिमूव तो करना नहीं है ऐड की जगह पे रिमूव कर देंगे हाइफन हाइफन रिमूव सर्विस इक्वल टू माइक्स इक्वल हाइफन हाइफन रिमूव हाइफन पोर्ट इक्वल टू ये हाँ तो इसमें ज़्यादातर सर अगर कोई सर्विस को हमें रिमूव करना तो उसका पोर्ट नंबर याद रखो अरे रिमूव कर सकते हो सर्विस लिखे हो सर्विस का नाम डालना पड़ेगा पोर्ट डालो तो पोर्ट का नाम पोर्ट का नाम डालना हाँ और फिर रिलोड कर दोगे गेट हाइफन 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 डिफॉल्ट हाइफन अच्छा DMJ आपको कैसे पता था इसमें DMJ है आपने सेट किया है ना हाँ DMJ आप DMJ के जगह पर कुछ भी बना सकते हो वो सर्विस नेम है क्या अच्छा ये जोन है ओहो इसमें कोई भी जोन बना सकते हो लेफ्ट राइट अप डाउन क्या सर ये पता करने के लिए क्या, क्या 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 इसका क्वेश्चन क्या था सर अब इसे क्या है नहीं नहीं सर इसको फायरवॉल जोन पता करने के लिए है कि सर्विस पता करने के लिए है अभी जो गेट वाला कमांड बताया है पब्लिक बना रहे हैं सर आईफोन आईफोन परमानेंट आईफोन आईफोन जोन इक्वल टू
लिस्ट ऑल चला। अच्छा पब्लिक जोन के जगह पर पब्लिक कर सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्टेट में। हाँ जो पब्लिक होंगे तो पब्लिक हमने सेट डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। आप हम इसमें देखना चाह रहे हैं क्या क्या रूल परमानेंटली अलाउड है। मैंने पब्लिक बना दिया सर, क्या गलती हो गई। नहीं तो है सर फायरवॉल ओपन दे सेट डिफॉल्ट जोन इक्वल टू पब्लिक। इंटर किया तो बोल रहा है एरर कमांड फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन जोन पब्लिक। इसमें स्पेस तो रहना ही चाहिए, कमांड है। अब कैसे सक्सेस हो गया, अगर मूल बन गया है इसलिए दोबारा नहीं बना, ठीक है। पहले क्यों नहीं होता सर, पब्लिक के बाद स्पेस आने से। आप तुम ये चलाओ आरोल आईफोन सी एम डी परमाने स्पेस आईफोन उनका आईफोन परमाने, ठीक है सर। चला रहा हूँ स्पेस आईफोन आईफोन जोन इक्वल टू पब्लिक। सर जून के बाद इक्वल टू क्या होगा सर, पब्लिक देखो। अभी उन लोग को भी दिखाओ सर्विस में सिर्फ क्या क्या अलाउ है इसका, डी एस ई पी अलाउ है और एस एस एच अलाउ है, बाकी कोई भी चीज़ किसी में भी अलाउ नहीं है। नहीं है अब यहाँ से कमांड चला, अब यहाँ पर कमांड चला फायरवॉल हाइफन सी एम डी हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन परमानेंट लिख लिया हाइफन हाइफन हाँ हो गया हाइफन हाइफन और ऐड स्पेस हो। अच्छा हाइफन फोर टू टू कर दो नहीं एट्टी एट्टी बोलो तो लिनक्स और हाँ तो एट्टी मैंने कर दिया सर, एट्टी कर दिया सपोज। उसके आगे क्या लिखे हैं आप, फॉरवर्ड स्लैश टीसीपी टीसीपी ये क्या है सर, टीसीपी पोर्ट टीसीपी सॉरी मैं टीसीपी कर दिया टीसीपी। आईपी पर ऐड पोर्ट इक्वल टू जो है पी ओ आर टी पी ओ आर टी
अब वो लिस्ट चला रहा है, लिस्ट चला कमांड चला। जो आयुष रिपोर्ट में आ गया ना, रिपोर्ट एटी डीसीपी। ओके, इस तरह तो हम कोई भी कर सकते हैं। इससे पहले खाली था। हाँ भाई बताए तो थे खाली था। तुझे क्या लग रहा है, रिमूव करके दिखा दो? एक क्या दिखा रहा है सर, नौ एक आ रहे हैं। तो भाई उसको नहीं दिया गया है अभी। ए मास्किंग तुम्हारा कोई बेग सर्वर तुम बनाए हो? मास्किंग बेग सर्वर तुम लोगों ने बनाया था ना, पोस्टिंग वाला। हाँ अब तुम अलग करना चाह रहे हो तो पोर्ट 80 ऐसे तुम अलग करना चाहे बाहर से। अच्छा बाहर से करोगे तो, नहीं तो हम लोग सर ऐसे ही होस्ट कर रहे थे परमिशन लेकर। नहीं जैसे फायरवॉल तुम चाह रहे हो कि हम सिक्योरिटी लगाए सर्वर पे कि हमारा सब की ना वेबसाइट खोल पाए, तो आप लगाओगे ना ऐसे? ये सब मुझे अभी हम लोग को नहीं आता है सर, ये सब हम लोग को नहीं आता है। नहीं ये तो आ गया पर किसी साइड को किस तरह सिक्योर किया जाए नहीं आता। क्या सिक्योर मतलब सिक्योरिटी? हाँ सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए? ये तो नहीं समझे सर, हमें ये पता है कि ये दाल है चावल है सब कुछ है पर इसको बनाए किस तरह जाए नहीं आता। सिक्योरिटी में आ गया तुम्हारे ऐसे नेक्स्ट। हाँ आईपी टेबल। हाँ ठीक है, ताकि आप चीज़ों को ब्लॉक करोगे बाहर से। टीचर तुम्हारे आगे की फाइल परमिशन क्या दे रखी हो अपने फाइल्स पे? हाँ वो पता है। अगर भी जी क्यूब का परमिशन कुछ नहीं दे रखी। हाँ तीसरा ये भी हो गया, और कुछ सर्वर पर ट्यूनिंग होते अभी आगे देखते हैं पढ़ेंगे। ये तो सब कुछ आता है सर, पर लाइफ पे हम लोग किस तरह करेंगे? लाइफ यही है ना, फायरवॉल इनेबल करो, एसी लिनक्स ऑन रखो, कर सकते हो तो। हाँ वो तो कर देते, अगर मैनेज कर पाए एसी लिनक्स को सही से तो आप एसी लिनक्स भी रखो ऑन। नहीं ऐसी लिनक्स में हमें ज़्यादातर तो हम लोग वहीं रखते हैं सर, जीरो वाला पार। जीरो तो मतलब उन्हें बाईपास करते हैं? बाईपास करते हैं। हाँ वन रख के करो, वन पे तो पूरा रूल चेक करेगा। वन पे कॉन्टेक्ट वैल्यू चेंज कर दो ना सिर्फ उसी के लिए, अगर तो कोई कहीं पे होस्टिंग होम के अंदर हो रही है तो बता दो था किसी लिनक्स ऑन करने के बाद भी कैसे आप कर सकते। हाँ वो बताए माइनस टी करके वो जो सेम होता है। हाँ सब कुछ हमें आ रहा है सर, पर हमें लाइव में किस तरह करेंगे ना? ऐसे होता है क्या होगा? हाँ पर एक अजीब सा फील होता है, कैसे करेंगे लाइव में? ना 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 कुछ भी ऐसा नहीं है, सब यही है, अलग से कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम्हारे सामने आ रहा है समझ में कुछ नहीं। खुल के बोलोगे तभी फायदा। बोलो आ रहा है? ये तो हमें अच्छा से आ रहा है सब कुछ, कमांड आ रहा है वहाँ पे जैसे काम काम में। हाँ काम यूटिलाइज कैसे होगा ये तो लग रहा है हमें, जॉब मिलेगा तभी पता चलेगा। आज तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास मिस कर दिया उसने। फायरवॉल सर वो तो हम पढ़ा देंगे, बता देना कुछ ऐसे। हाँ उसको बता देंगे पर सर एक लाइव एनवायरनमेंट में कैसे पढ़ेंगे सर? लाइव इन्वायरमेंट यही है यार, जैसे ट्रेनिंग नहीं, जैसे हम लोग सब कुछ कर दिए सर, आप अब एक जैसे हम सर्वर बनाए ऐसे ग्राफिक बना के ला ना सर्वर। मैंने बोला था अभी आप आज फायरवॉल पढ़े हो ठीक है, घर पे हमने एक दिन वेब सर्वर बनाने के लिए बताया था। हाँ बना देते हैं, आप बना के ले आओ, उसे फायरवॉल लू लगा के ले आओ। उसमें फायरवॉल लू कैसे चलाएंगे? लू लगाओ कि हम चाह रहे हैं किसी भी टाइपिंग को अलाउ करें। इसमें रूल लग जाएगा जो वेब बनाएंगे हम, जो वेब बनाएंगे हम उसमें रूल लग जाएगा। वही ना, कैसे बनाएंगे ऐप? नहीं वेब, वेब वेब का जो हम लोग बनाएंगे होस्टिंग आप बताए हैं ना सर। हाँ उसमें फायरवॉल लगाओ ना, उसमें सपोज दैट तुम्हारा भी एक AWS इंस्टेंस है, इनके पास भी है, इनके पास भी है ठीक है। तुमने एक वेब सर्वर बनाया तो पुटी, लेट्स एग्जांपल पुटी,
छुट्टी में तुमने एसएसएल के लिए सबके लिए अलाउ होता है ना, तुम वहाँ पे काम करना, सिर्फ इस इन टाइप को अलाउ करना, बाकी देखना इंसेंट ड्राइव हो रहा है क्या, लॉगिन हो रहा है। अच्छा पुट्टी के लिए स्टार्ट कर दो, पुट्टी कर लो, पुट्टी बोले तो एसएसएल SSH 22 को रिमूव करना पड़ेगा मुझे। हाँ नया केवल अलाउ करूँगा एक ही, अलाउ करना इनका आईपी। हाँ अभी तो बन रहा है। आज सपोज सर हम एक जो आप होस्टिंग बताए थे ना, जो हम वेब को होस्ट कर रहे थे, जैसे श्याम के यूजर को बनाकर होस्ट करते थे, यूआरएल पे जाके हिट करते थे, जो लिखा रहता था वो आ जाता था, उस पर ये परमिशन देने के लिए कैसे करेंगे? वहाँ पे भी वही सेम परमिशन था कि वेब सर्वर के पोर्ट होता है अपाचे का पोर्ट 80, इसलिए मैंने पोर्ट 80 एग्जांपल दिया। पोर्ट 80 को सिर्फ अच्छे से भी आईपी को अलाउ करो, बाकी बंद करो। तो उसका आईपी दिखेगा वहाँ आईपी वेब का, वेब का आईपी नहीं समझ नहीं उसकी बात की। वेब तो वेब सर्वर तो हमारा है, हम अपने आप को थोड़ी ना ब्लॉक करेंगे, नहीं तो दूसरे को ब्लॉक करना है ना। हाँ तुम वही फायरवॉल वाले रूल में जाके तुम पर्टिकुलर एक नेटवर्क अलाउ करना। तुम बना दीजिएगा नाम क्या दूंगा उसका, अपने वेब का जो हम वेब बनाए हैं उसका सर्विस नाम क्या देंगे? वह सर्विस नाम थोड़ी चलेगा, फिर सबनेट चलेगा नहीं तो। अच्छा सबनेट ही चलेगा, सबनेट चलेगा ना वहाँ पे तुम, क्योंकि तुम वहाँ आई पी से अलग करो, तो वहाँ पे जोन भी तो बनाना पड़ेगा ना सर। जोन तुम्हें डिफॉल्ट आ गया, आयुष आ गया, साले हम मेरे के मेरे से बोलवा रहे हो, ये तो बोलते ही नहीं हो, कुछ तो गलत है, खाली लिखते हो तो कुछ के नहीं रहा है, कैसे चलेगा क्या चलेगा समझ में आ रहा है कुछ? अभी ये तो आ रहा है, तब मैं इसको रूल को लगाएंगे कैसे? जैसे होस्टिंग मैंने बता दिया, तुम होस्ट कर देते हो कि बार ये को होस्ट करते हो ना उसको, हाँ कैसे लगाएंगे उसके, क्या लिए डिफॉल्ट जोन तैयार करेंगे, फायरवॉल कैसे करेंगे उसको? एक प्रोजेक्ट बनाना नहीं सीखेंगे तो फिर क्या फायदा? दूसरे का किसी का वेबसाइट का ये सब कर सकते हैं अगर नहीं, अपने ही जब हम वेब होस्ट करेंगे तो उसमें परमिशन दे देंगे ना, जो तुम खोल सकते हो तुम खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता है, बस आईपी सलाह कर दो हमें। पर बस यहाँ फंसेंगे सर, जल्दी से आ जाते हैं घर, ये रात तक रहते हैं ना, तो जैसे सर यहाँ जोन हमें नहीं समझ में आ रहा बस, क्योंकि वहाँ पे जब हम आईपी से कर देंगे ठीक है, पर बिना जोन के कैसे करेंगे? तो जोन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। हाँ तो जोन एक अपना बनाना पड़ेगा, नहीं जोन तो बनाया था सिस्टम है, तो जोन में तो वहाँ जोन नहीं है, तो क्या तो डिफॉल्ट जोन बना रहे हैं? एक बार हम तो डिफॉल्ट जोन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, उसमें जोन बना है उसको हमें डिफॉल्ट सेट कर दे रहे हैं। अच्छा डिफॉल्ट ये जोन एक्टिव रहेगा। हाँ डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा है तो हमें वहाँ डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा, क्या गेट डिफ़ॉल्ट है ना? हाँ सर गेट डिफ़ॉल्ट हाइफन जोन, हाँ उसी में ऐड कर देंगे, ठीक है करते हैं सर, करेंगे सर लाइव करेंगे। करो बाबी, वो दिक्कत है बताना मेरे को।
हाँ सर ठीक है सर, स्टॉप कर दूँ।